बनाने के लिए हम अपने किचन में हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। बहुत आसान तरीका है, बहुत कम सामान में आप घर के सामान से बना सकते हैं मूंगफली नमकीन। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, वीडियो को शुरू से लास्ट जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज संध्या के किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब, आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। जितने माता नंदी हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, बगल में लाल घंटी इसको जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले रेसिपी आप लोग को मिले। जैसे देखते हैं कितने मेहनत हम करते हैं उतने व्यू आप लोग बिल्कुल मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। छोटे से गाँव करने वाले हैं, जब तक हमारे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब लाइक नहीं करेंगे वास्ट टाइम हमारा तब तक पूरा नहीं होगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप लोग देखिए। तो जैसे देखते हैं कि आप लोग तबीयत खराब हमारा रहता है तभी वीडियो हम बनाना बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, कुछ ना कुछ बना के डालते रहते हैं वीडियो को। तो ऐसा आप लोग प्लीज मत करिए, हमारे भी चैनल को आप लोग आगे बढ़िए ताकि हमारे भी वीडियो आप लोग को आगे बढ़े इसी तरह। तो चलिए एक अच्छे से रेसिपी लेकर आप लोग के बीच में आए हैं, एक बीर बनाइएगा आप लोग महीने भर चाय के साथ में खाइएगा। यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि हमने आधे के जी मूंगफली लिए हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पे नमकीन बनाने के लिए हम क्या क्या लिए हैं आप लोग को दिखा रहे हैं। एक कटोरी बेसन लिए हैं, 3 चम्मच चावल के आटे लिए हैं, चावल के आटे आपके पास नहीं है तो आरा रोट ले सकते हैं आप, खाने वाला नमक है, यहाँ पे काले नमक है, चाट मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला 1/2 चम्मच। उसके बाद मूंगफली को यहाँ पे क्या करेंगे देख रहे हैं, ले लिए हैं इसको पानी डालेंगे, पानी से डालकर अच्छे से हाथ से मसल के इसको धो लेंगे हम। तो दोस्तों इसको 2-3 मिनट के लिए ऐसे हम भिगो के हम मूंगफली को छोड़ दे रहे हैं पानी में। उसके बाद एक थाली लेंगे, थाली में डालेंगे चावल के आटे, उसके बाद डालेंगे बेसन को। बेसन को डालने के बाद से यहाँ पे हम डालेंगे गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्ची को आप खलबट्टे में दरबरे कूट के भी इसमें डाल सकते हैं। इसमें एक बार डालेंगे काला नमक, काला नमक डालने के बाद से डालेंगे यहाँ पे हम खाने वाला नमक। इन सभी को डालकर अच्छे से बेसन में मिलाएंगे। तो इसको बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है, ऐसे में डालना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी कलर भी डाल सकते हैं, चाहे हल्दी पाउडर डाल सकते हैं। तो इस बार हम हल्दी पाउडर नहीं डालेंगे, इसमें हम थोड़ी सी कलर डाल दे रहे हैं। अब डालकर इसको अच्छे से मिलाएंगे बेसन को। इसमें देखिए काफी अच्छे से मिला दिए हैं। अब मिलाने के बाद से इसको एक साइड कर दे रहे हैं। साइड करने के बाद से यहाँ पर देख रहे हैं छन्नी लिए हैं, इसको हम मूंगफली को इस तरह निकाल लेंगे। इसमें मूंगफली को छन्नी में छानने से ये रहता है जाके इसमें जितने भी पानी रहता है सारे निकल जाएगा। इसको अच्छे से देखिए हम इस तरह से छान ले रहे हैं, आप चलने में भी इसको छान सकते हैं। अब इसमें के पानी हम फेंक कर इसको अच्छे से पोंछ लिए हैं, इसका जितना भी पानी था सारा निकल गया है, देख रहे हैं आप लोग पानी बिल्कुल नहीं निकल रहा है। इसमें मूंगफली को डाल देंगे। मूंगफली को डालने के बाद से हम क्या करेंगे, तेल को एक साइड रख देंगे गर्म होगा पहले। इस तेल में अभी हम चिप्स छाने थे तो वही तेल हमारा पड़ा है यहाँ पे, इस तेल को हम गर्म करने के लिए रख दिए। अब इसमें हम क्या करेंगे देख रहे हैं कि इसको अच्छे से फैला लेंगे पहले। अब बेसन को इस तरह से लेंगे, हाथ से हम इसको मिलाएंगे, हाथ से बहुत काफी अच्छे से मिल जाता है। तो देखिए इस तरह से मिलाते रहेंगे इसको। तो पानी इसमें जरा सा भी नहीं डालना है, इसको बिल्कुल देखिए अच्छे से मिला रहे हैं। जो बाकी का हमारा बच जा रहा है तो इसको हम इसी तरह हटा देंगे। इसमें आप डालना चाहते हैं 2-3 बूंद पानी डाल सकते हैं। अब इसमें हम पानी लिए हैं तो इस तरह पानी के ऊपर इस तरह कर देंगे। अब पानी को करने के बाद से फिर इसके ऊपर बेसन इस तरह डाल देंगे हम। हाँ। तो ज्यादा पानी आपको नहीं डालना है इसके ऊपर। कुछ लोग देखते हैं बेसन को घोर के भी डालते हैं। तो देखिए बेसन के ऊपर कितने अच्छे से लग गया है।
ये जो बाकी का बच जा रहा है आपको, तो इसमें कोई भी चीज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पूरे बेसन में इसमें लग गया है। तो इस तरह से हम लगाते रहेंगे इसको, अभी जाके जो पानी हमारा सूखा है ना उसमें काफी अच्छे से बेसन चिपक जाता है जाके। तो इसको हम इस तरह कर लेंगे एक बार। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं इतने सारा बेसन हमारा, दो चम्मच यहाँ पे बच गया है। इसको एक साइड कर दे रहे हैं। अब इसको ऊपर से इस तरह हम कर लेंगे, एक प्लेट ले लेंगे, इस प्लेट में हम निकाल लेंगे ऊपर पर का। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से चिपक गया है। चलनी हो आपके पास मोटे दाने वाले तो उससे आप चाल सकते हैं इसको। यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए चलनी है तो इस पे हम क्या करेंगे, रख लेंगे इसको। तो जितने इसमें है सारे निकल जाएगा। देख रहे हैं सारे इसमें बेसन जो था नीचे निकल गया है। देखिए इस तरह से निकाल लिए इसमें का। तो तेल यहाँ पे गरम हो गया, तो तेल को गरम करके हम उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे गैस को बिल्कुल मीडियम रखे हैं। तेज आंच पे इसको पकाएंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएगा, ऊपर से पक जाएगा आपका ये। तो आप देख सकते हैं इसको एक बार इस तरह से हम चला देंगे। बिल्कुल मीडियम आंच पे इसको पकाएंगे ताकि अंदर से भी क्रिस्पी बने। अब इसे में डालकर हम इस तरह छोड़ देंगे इसको। तो दोस्तों इसके पकाते हुए देख रहे हैं 2 मिनट हो चुका है। इसका कलर देख सकते हैं कितना काफी अच्छा आ गया है। तो इसको और अभी हम 2 मिनट पकाएंगे, टोटल इसको हम 4 मिनट मेरी आवाज में पकाएंगे। बिल्कुल अच्छे से बनेगा कुरकुरे हमारा नमकीन। तो ये नहीं है कि आप लोग को दिखाने के लिए रहता है कोई चीज बनाते हैं, तो पापा जी को जैसे देखते हैं मार्केट में नमकीन बिल्कुल नहीं पसंद है उनको, कभी दालमोठ रहता है कभी मूंगफली का रहता है, इस तरह से बना के उनको हम देते हैं। तो एक हफ्ते तक दुकान पे रख लेते हैं अपने डिब्बे में खाते हैं लेकर। तो जैसे देखते हैं कि कोई चीज बाहरी खा नहीं चाहते, तेल वाला जैसे रहता है उनको गैस बहुत ज्यादा बन जाती है, तो इसलिए घर का रहता है कोई चीज तो खाकर वो चाय पी लेते हैं। तो इसलिए हम बना रहे हैं यहाँ पर, देख रहे हैं आप लोग। तो हम सोचे लाइए आप लोग को भी वीडियो में दिखा दें। तो देखिए इस तरह से पका रहे हैं इसको मीडियम आंच में बिल्कुल। उसने जल्दीबाजी आप करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से नहीं बन पाएगा नमकीन आपका। देख सकते हैं इसको हम इस तरह से निकाल ले रहे हैं सारे इसमें का। अब बहुत अच्छा कलर भी इसका आ गया, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना ज्यादा इसमें उसे आवाज निकल रहा है, बहुत कुछ ज्यादा बन गया है दोस्तों। तो चलिए इसी तरह से फिर दूसरा भी डाल दे रहे हैं। तो दोस्तों देखिए निकाल ले रहे हैं, इसको भी निकाल ले रहे हैं इसी तरह से। तो पहले एक दूसरे थाली में निकाल रहे हैं ताकि इसका अच्छे से तेल निकल जाए। तो चलिए सभी को इसी तरह बना के फिर मिलते हैं। बालों संवार लग रही है और साची देखिए कैसे गुस्सा है। नमकीन खाओ अग्नि जी। हाँ। इसमें हम कड़ी पत्ता देख रहे हैं, यहाँ पे कड़ी पत्ता को छान कर इस तरह से निकाल लिए हैं। कड़ी पत्ता बहुत काफी टेस्टी लगता है नमकीन में डालने के बाद से। इसमें देखिए कड़ी पत्ता बिल्कुल कुरकुरे हमारा भुना गया है, इसमें हम डाल दे रहे हैं। तो सभी को इसी तरह से हम डाल देते हैं। हमारा आप लोग को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, बगल में लाल घंटी उसको जड़ दबाएं जाके सबसे पहले रेसिपी आप लोग को हमारे मिले। चलिए फिर नए लोग साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।